आपको बताएंगे रोस्ट चिकन हमें कैसे घर में बनाना है। इसके लिए हमें जो ये चिकन लाया, हमने 1 kg चिकन लाया है, इसमें हमने ये स्किन वाला यूज़ करना है। हमें स्किन वाला जो चिकन है, हमें विदाउट स्किन नहीं चलेगा, इसमें स्किन वाला चाहिए, क्योंकि इसमें हमें लम्ब्स बनाने हैं। जो स्किन वाला होता है उसी में ये लम्ब्स बनते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसको हम फॉक से इसको हम प्रिक करेंगे इसे, क्योंकि मसाला इसके अंदर जाना चाहिए, तो फ्राई भी हो जाए अच्छी तरह से। ऐसे हम इसको प्रिक करेंगे। अब हम इसमें 1 cup पानी ऐड करेंगे, विनेगर 2 teaspoon, विनेगर, साल्ट 1 teaspoon। इसको हम आधे घंटे के लिए रखेंगे ऐसे ही, फिर आधे घंटे के बाद हम इसको मसाला ऐड करेंगे इसमें। अब हम इसमें इंग्रेडिएंट्स में ऐड करेंगे, रेड चिली पाउडर है 1 teaspoon, हल्दी पाउडर 1/2 teaspoon, साल्ट 1 teaspoon, अजवाइन हमने इसमें 1/2 teaspoon बस, क्यूमिन सीड्स ये भी 1/2 चम्मच डाल देंगे हम इसमें, और ब्लैक पेपर पाउडर ये भी हम 1/2 चम्मच डाल देंगे इसमें, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 teaspoon, पर ये 1/2 चम्मच इसमें ऐड करेंगे, और अजवाइन भी, और इसमें थोड़ा सा साल्ट भी हम ऐड करेंगे, 1/2 teaspoon साल्ट भी ऐड करेंगे। इसको हम मिक्स करेंगे। अब हम इसमें इसको डालेंगे, इसको थोड़ा हम इसको जोर से दबाएंगे, थोड़ा इसके लम्ब्स बनने चाहिए। तो पानी में ऐसे डुबाना है, बस निकालना है, साथ ही इधर रख देंगे। सबको ऐसे ही करेंगे हम। अब हम इसको दोबारा डबल कोट करेंगे ऐसे, तो ऐसे प्रेस करेंगे, देखो इसमें लम्ब्स बन रहे हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। देखेंगे इसको, देखो ये पूरा पक गया है, देखो क्रंची पूरा बन गया है ये, देखो
ये अंदर से भी पूरा पक गया है, ये देखो पूरा अंदर से पक गया है, क्रंची पूरा क्रंची है ये।